नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम कई क्लिप ऐसे बना बना के रखे हैं, तो जोड़ देंगे। आप सब प्लीज वीडियो को जरूर देखना और मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। नानी मौसी के नाते हाथ पता, मामा मौसी के नाते हाथ पता। तो यहाँ मैं दाल उबलने के लिए कुकर रखी हूँ, तो वो भी सीटी आ जाता होगा इस वीडियो में। तो आप सब अंत तक, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ अंजलि काजल लगवा रही हैं और बोली मम्मी हमें लगाओ काजल, तो वही मैं लगा रही थी। और शीतल गुंजन ये नहा रही हैं, तो वीडियो में अभी नहीं आई और वही मैं बता रही थी। और तो ये क्लिप पहले ही चंदन बना लिए थे और तो हम जोड़ दिए हैं बीच में। अंजलि पहले ही क्लिप में काजल लगवा के बैठी थी, तो आप सब देख लेना। तो वही मैं काजल लगा रही थी। तो यहाँ पर चंदन के पापा जा रहे हैं सब्जी बनाने। पापा खाना बना रहे हैं। हाँ, इनके पापा खाना बना रहे हैं। हम इस साइड रोटी बना रहे हैं। मेरे पापा खाना बना रहे हैं। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और ये कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। प्याज और मिर्ची को डाल दिए हैं तड़के में। यह है धनिया, यह है सौंफ, यह है जीरा। हम डाल देते हैं सबको। तो यहाँ तड़के को पका रहे हैं। लगभग आज तेल ज्यादा डाल दिए हैं। आज बैंगन को फ्राई करके बनाएंगे ये सब्जी। तड़का जल चुका है, हम जा रहे हैं बैंगन को डालने। सब्जी को चला देते हैं। तो आज हम दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं। चंदन के पापा सब्जी बना रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं। तो ये बोले आज हम सब्जी अपना से बनाएंगे। तो ढक देते हैं सब्जी को अभी। हम नमक डाल देते हैं सब्जी के अनुसार। तो यहाँ अंजलि पापा को अपने परेशान कर रही है, गोद में इस टाइम बोल रही है लेकर चलो खिलाओ। तो और ये लेकर जा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अंजलि यहाँ रो रही थी और इसीलिए मैं यहाँ का आवाज़ बंद कर दी हूँ इस क्लिप का। तो ये सब्जी को फ्राई कर चुके हैं, उसमें मसाला भी डाल दिए हैं, मिक्स मसाला। तो आज चंदन के पापा सब्जी पहले तड़का लगा के पका लिए हैं, फिर उसके बाद में ये मिक्स मसाला डाल के फिर से इसको तेल में पका रहे हैं। उसी तेल में, तेल नहीं डाले थे दोबारा। तो आज ये दूसरे तरह से सब्जी बना रहे हैं। पहले सब्जी को पका लिए हैं, फिर मसाला को डाले हैं। सब्जी हमारा बन चुका है, आप सब देख लीजिए।
तो यहाँ सब्जी बन चुका है, यहाँ कुर्सी लगाकर बैठी हुई है और शीतल गुंजन सभी बाहर सोई हैं, अभी उनको जगा के खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, हम सब चाय पी रहे हैं और अंजलि यहाँ पर बैठी हुई है। तो बिना तैयार हुए वीडियो में आ गए हैं सभी लोग। वैसे चंदन के पापा इधर रोटी बना रहे हैं और शीतल उधर बैठी है, गुंजन उधर, और ठंड लग रहा है हम सबको। यहाँ आंधी तूफान आया था 3 बजे का टाइम, तो इस समय 5 बजे का समय हो रहा है, ठंड अधिक लग रहा है, तो मैं साल हो रही हूँ। तो चाय पी रहे हैं हम सब। ये चाय कैसे बना है? तो नमकीन को डुबा ली है उसी में, शीतल वहाँ कोने में गई है, बैठ गई है वहाँ। हमको गुंजन को ठंड लग रहा है ज्यादा है ना गुंजन? अंजलि को नहीं लग रहा है, क्या पहनी हो अंजलि? कोट पहनी हो? तो अंजलि कोट पहनी है। तो चंदन के पापा रोटी इसीलिए बना रहे हैं, हमारा आंख दर्द कर रहा है और सर दर्द होता है, तो बोले कि लाओ हम ही बना देते हैं। तो अभी सब्जी बना लेंगे हम। तो आज हम सब सुबह ही चाय बना लिए थे इस वजह से, क्योंकि हमें दवा खाना था। तो चंदन के पापा बोले सुबह ही उठकर, मतलब चाय बना दिए, बोले कि चाय पी लो फिर दवा खाओ। तो इसीलिए आज मैं नहाई भी नहीं सुबह सुबह, और चाय पीना पड़ा, दवा भी खाना पड़ा, क्योंकि सर में अधिक दर्द था। तो यहाँ मैं कपड़ा सभी धुल ली हूँ चाय पीने के बाद में, खाना बनाने के बाद में, अभी नहाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं सोची पहले कपड़ा को फैला देती हूँ, धुल देती हूँ सुबह सुबह, नहीं दिन में धूप हो जाता है तेज़ी से। तो वही मैं कपड़ा को फैला रही थी, और ये साड़ी रखा हुआ था 3-4 दिन का, तो मैं धुल नहीं पाई क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है इस समय थोड़ा। और यहाँ चंदन वीडियो शूट कर रहे हैं, बोले मम्मी लाओ थोड़ा इसको भी शूट कर लेते हैं, कपड़ा फैला रही हो। तो आप सब भी बोलते हैं कि एक दिन, हर दिन एक ही जैसा वीडियो, हम सब मतलब बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं देखकर। तो आज मैं सोची कि चलो देखते हैं आज इसी तरह बनाएंगे वीडियो। तो वही मैं चंदन बना दिया है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा, और वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं कैमरा के सामने बोलना हमें बहुत आसान है, और वॉइस ओवर करने में थोड़ा दिमाग भटक जाता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो वही कपड़ा को मैं इसी तरह फैलाती हूँ, आप देख लीजिए। ये साड़ी का मतलब धुलने में भी मुश्किल, पहनने में भी मुश्किल, और इसको फैलाने में भी मुश्किल होता है। और लेकिन क्या करें, जो रीत रिवाज है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। और पहनते भी आए हैं हम सब, बहुत दिन से पहनते हैं। तो यहाँ पर फैला रही थी मैं। तो थोड़ा कपड़ा और बचा हुआ है फैलाने का, और जगह भी कम पड़ जा रहा था, आज ढेर सारा कपड़ा हो गया था फैलाने के लिए। तो वहाँ मैं फैला रही थी, और इधर साइड चंदन के पापा बैठे हुए हैं, तो वहाँ मैं दाल कुकर में छोड़ के, मतलब डाल के आई हूँ उबलने के लिए। तो जा रही थी वही देखने, तो वहाँ कुकर के सीटी में कुछ फंस गया था, तो वही मैं करछुल के सहायते से उठा रही थी, और सीटी भी नहीं लग रहा था। और तो फिर वही मैं चेक कर रही थी, और गैस को मैं बंद कर दी थी जब वो उठा रही थी ढक्कन को, ये नहीं था कि गैस खुला था। तो वही मैं नमक डाल दी हूँ उसमें, नमक डाल रही थी, और उड़द का दाल था दोस्तों, बना रही थी वही, और उधर चावल भी पका रहे थे। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आई टाटा कर रही है,
और इंस्टाग्राम आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप सब फॉलो कीजिएगा। और हमारा दूसरा चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। तो उस चैनल का नाम चंदन फैमिली ब्लॉग है। और दोस्तों पूरा ऐड जो आता है प्लीज़ पूरा देखिएगा, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और हमारे भैया दीदी तो देखते हैं, तो जो नए भैया दीदी हैं प्लीज़ प्लीज़ ऐड को पूरा ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कैन करो लाइक करो शेयर करो कैन करो आता है।